सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टेक ट्रैकर। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं एक लैपटॉप का अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ। तो ये लैपटॉप ये लेनोवो की तरफ से आने वाला आइडिया पैड 3 है। अब इसे अनबॉक्स करने का ये इंटेल वाला वेरियंट है, कोर i3 11th gen वाला, 8 GB रैम एंड 512 GB SSD वाला। ओके, तो इसका जो प्राइस है ये मुझे पड़ा 38,700 का, और अगर आप इसे सेल वगैरह में बाई करोगे तो ज़रूर इसका प्राइस आपको और कम में मिलेगा। सो चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट के पैकेजिंग में आज सुबह मुझे डिलीवर हुआ है, तो इसे सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा लैपटॉप का पैकेज, तो चलिए अब इसे अनबॉक्स करते हैं। लैपटॉप देखने को मिलता है, उसके साथ यहाँ पे कुछ पेपर रखते जो गिर गए तो साइड में रखते हैं और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। बॉक्स के अंदर अब हमें यहाँ पे पैकेट में डर ही गया था, हमें इसका चार्जर मिल जाता है। सो गाइस, ये जो चार्जर है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक 65 वाट का चार्जर है, तो काफ़ी जल्दी आपका लैपटॉप चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कागज पत्थर हैं, ये वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल वगैरह वगैरह, इसे पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, इसे भी साइड में रखते हैं और आते हैं हमारे मेन यूनिट पर। सो ये रहा गाइस हमारा लैपटॉप। सो यहाँ पे हमें एक लेनोवो का ब्रांडिंग मिल जाता है। सो गाइस, अब अगर हम इसे के बिल्ड क्वालिटी का बात करें तो ये पूरा फाइबर का बना हुआ है। ओके, तो इसे मेटल का फिनिश है, मेटल फिनिश है बट ये फाइबर का बना हुआ है, जिसमें अगर आप इसको प्रेस करोगे तो अपने को विजिबल है कि नहीं, अगर आप इसको प्रेस करोगे तो ये दबेगा। ओके, और नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक पोर्ट मिलता है जहाँ से ये एयर इनटेक कर पाएगा, सो दैट ये कूल रहता है। पहले इसे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कीपैड रैप मिलता है, इसे अब साइड में रखते हैं। और यहाँ पे क्या मिलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वारंटी अपग्रेड करने के लिए, इसे भी साइड में रखते हैं फिलहाल। चलिए गाइस, इस लैपटॉप को ऑन कर लेते हैं। सो गाइस, इसे अब ओपन करते हैं, हमें सबसे सामने मिलेगा एक 15.6 इंच का फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। तो ये कोई IPS डिस्प्ले नहीं है और ये 45% कलर एक्यूरेसी गैमिट पे आता है। सो दैट मीन्स अगर आप इसमें नॉर्मल वीडियो या फोटो एडिटिंग करोगे तो आप कर सकते हो, बट बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का वीडियो फोटो एडिटिंग आप इसमें ना करना ही बेटर होगा। यहाँ पे कोर i3 का ब्रांडिंग मिल जाता है, यहाँ हमें ट्रैक पैड मिल जाता है और यहाँ पे लेनोवो का लोगो मिल जाता है। सो गाइस, अगर हम सामने आते हैं तो यहाँ पे हमें इसे कैमरा मिल जाता है जो कि 720p पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, प्लस यहाँ पे हमें एक शटर मिलता है। तो यहाँ पे फिलहाल कैमरा तो ओपन है, अगर आपको प्राइवेसी का कोई इशू है तो शटर को बटन की जैसे प्रेस करोगे तो ये रेड होकर बंद हो जाएगा। ओके, और सिमिलरली जब इसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसकी वेट की बात कर लेते हैं तो ये जो लैपटॉप है ये 1.65 kg का लैपटॉप है। सो गाइस, ये जो लैपटॉप है इसका मुझे एक इशू ये लगा कि इसे आप एक हैंड से आप इसको ऊपर नहीं कर सकते, क्लोज तो कर लोगे वो तो ठीक है, बट अगर आप एक हाथ से इसे ऊपर उठाओगे तो ये फुल हो जाएगा, तो आपको दोनों हाथ का यूज़ करना पड़ेगा। और प्लस ये जो लैपटॉप है इसके हिंजेस काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं, तो आप इसे ऑल द वे टिल 180 डिग्री से टिल्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा ये नहीं होगा, ऐसे को बंद कर सकते हो। सो अगर हम इस लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में बात कर लें तो इसके राइट हैंड साइड में हमें एक माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, बट यहाँ पे हमें एडाप्टर के साथ एसडी कार्ड लगाना पड़ेगा, और एक USB 2.0 का पोर्ट मिल जाता है। और इसके लेफ्ट साइड में हमें बहुत सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, सबसे पहले हमें इसका चार्जिंग पोर्ट मिलता है, उसके बाद एक USB 3.0 का पोर्ट, उसके बाद एक HDMI का पोर्ट एंड फिर USB Type-C और एक 3.5 mm हेडफोन का पोर्ट मिल जाता है। अब अगर इसके प्रोसेसर की बात कर लें तो इसमें हमें मिलता है इंटेल की तरफ से आने वाला i3 का 11th gen, जो कि एक 2-core 4-thread वाला प्रोसेसर है और ये 1.7 GHz से 4.1 GHz तक ओवरक्लॉक हो सकता है। उसके साथ अब ये भी ध्यान रखना कि ये जो लैपटॉप है इसमें आपको इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स ही मिलता है, कोई डेडिकेटेड एक्सटर्नल GPU नहीं मिलता है, बिकॉज ऑब्वियसली ये कोई गेमिंग लैपटॉप तो है नहीं। सो गाइस, अब अगर हम आते हैं इसे कीबोर्ड की ओर तो इसमें हमें कोई बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलता है, नॉर्मल कीबोर्ड मिलता है, तो अगर आप नॉर्मल डे टू डे टास्क करते हो तो इसके लिए आपको कोई इशू नहीं होने वाला है इसमें। ऑल्सो गाइस, हमें इस लैपटॉप में ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है और वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है। और अगर आप इस लैपटॉप के स्पीकर्स के बारे में वरीड हो तो इस लैपटॉप के दोनों साइड में, इस साइड में और इस साइड में, आपको दो 1.5 वाट के स्पीकर्स मिल जाएंगे जिनका साउंड क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है।
तो कंपनी बोलती है कि इसमें हमें 12 घंटे का बैटरी बैकअप मिल सकता है, बट मेरे यूसेज के अनुसार इसमें मुझे अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 hours का बैटरी बैकअप मिला काफ़ी हैवी यूसेज में। सो गाइज, अगर आप मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से जाओगे तो ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। मुझे ये 38,000 का पड़ा, सेल में अगर आप ये लोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 33,000 34,000 का भी मिल जाएगा कार्ड मिला के, जो कि एक काफ़ी स्टील डील रहेगा इस लैपटॉप के लिए। ओके, सो अगर आपका नॉर्मल यूसेज है, अगर आपका एक स्टूडेंट हो और आपका नॉर्मल यूसेज है, माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड वगैरह ये सब यूज़ करते हो, प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हो और बहुत ही मॉडरेट लाइट गेमिंग करते हो, तो ये लैपटॉप आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरे रिकमेंडेशन में तो ये लैपटॉप ज़रूर परचेज़ करना। 38,000 मुझे थोड़ा ज़्यादा पड़ा है इस लैपटॉप के लिए, बट अगर आपको थोड़ा सस्ता मिले तो वो डील ज़्यादा बेटर होगा। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड बी सेफ। बाय बाय।